फिल्म के लिए देखो कितने लोग भीड़ कर रहे हैं। तो हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है 2nd of April और मैं फिर से निकल पा रहा हूँ रायपुर शहर के तरफ, क्योंकि आज है गाइस 2nd of April को भगवान झूलेलाल का पूजा। और पूजा में गाइस कम से कम 2 से 2.5 साल बाद रायपुर शहर में झांकी निकाला जा रहा है। झांकी का बहुत बड़ा मतलब विशाल आयोजन होगा, तो मैं देखने के लिए निकल पा रहा हूँ। समय की बात करो तो 5:30 हो चुका है। मिली सूचना के अनुसार झांकी 4:30 बजे से निकलने वाला था, निकल गया होगा। मैं अभी रायपुर शहर से हूँ 6 से 7 किलोमीटर दूर, पहुंचने में लग जाएगा मुझे 10 मिनट। चलिए पहले शहर की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Moments later. तो गाइस पहला झांकी हमें देखने को मिल चुका है। ये देखो, ये आपका आमापारा चौक है मेरे ख्याल से, और यहाँ भगवान झूलेलाल का एक झांकी हमें देखने को मिल चुका है। और ऐसी कई झांकियाँ अभी और हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो कितना प्यारा है, ऐसी 30 झांकियाँ आने की सूचना हमें मिली है। कम से कम 30 झांकियाँ ऐसे आएगा। एक झांकी ये आगे है और एक झांकी गाइस पीछे में है। सभी झांकी यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, सब के सब जैसम चौक पर ही पहुँचेगा। बट फिर भी मैं आगे आ गया हूँ ताकि आप लोगों को घूम घूम के भी कुछ दिखाते चलूँ। तो भाई जैसम चौक पे हूँ अभी। प्रोग्राम तो मतलब तबाही हो रहा है, प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना, आपको दिखाओ। देखो क्या स्टेज लगा है, आगे लगा है, पूरा एरिया आपका जैसम चौक कहलाता है। तो भाई जैसम चौक में जो साउंड है ना, यहाँ की साउंड यार गजब बजा रहे थे। अभी भीड़ है, थोड़ा भीड़ खाली होने दो, उसके बाद जाके आपको दो शॉट दिखाऊंगा मैं। मतलब आज का माहौल ताबड़तोड़ माहौल है भाई, आज जो नहीं है घुमाना आ रहा है, मतलब मैं बहुत मिस कर दिया। अच्छा हुआ कि मैं समय पे आ गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और मज़ा लेने के लिए। इतना साउंड बज रहा है गाना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ज़्यादातर वीडियो में दिखाए फुटेज जो चल रहा है एक्टिविटी, वो मैं कुछ बोल नहीं पाया हूँ। हर जगह जैसम चौक के पास स्टेज लगा हुआ है, वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी देखो एक और बाजू में यहाँ लगा हुआ है, ये आपका मंजू ममता रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट बाजू में इधर भी। अच्छा है कि इधर अभी साउंड बज नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी साउंड का बजने ही वाला है। तो आज रायपुर शहर में आओगे तो हर तरफ आपको मेन सिटी की तरफ ऐसे माहौल आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता आप लोग कितना साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो यही स्थिति है, मतलब हर ज़्यादा भीड़ और हर जगह गाना। तो गाइस आप लोग बता दूंगा, मैं रात तक रहता हूँ ना यहाँ, तो बॉलीवुड की अभिनेत्री महिमा चौधरी भी आने वाली है। महिमा चौधरी आएगी तो समा जो है और बंद जाएगा।
अभी मैं आ गया हूँ ऑक्सीजन पार्क में। रात का सीन है, नहीं दिख पाएगा आप लोगों को। तो मैं आज के ब्लॉग का समरी बताना चाहूँ ना, तो देखो आज जो हमें सूचना मिला था कि 30-30 निकला था भगवान झूलेलाल का झांकी, जो कि पर्सनली जो मैं देख पाया वो 3 ही देख पाया, पता नहीं बाकी झांकी किधर चला गया, नहीं चला गया। और नहीं दिख पाया, मैं इसलिए वेट किया था जयस्तंभ चौक के पास, कम से कम वहाँ मैं 1 से 1.5 घंटा रुका था ताकि झांकी कहीं से भी गया होगा तो घूम के तो वहीं आएगा ना, लेकिन लास्ट टाइम तक आया नहीं, या पता नहीं क्या सीन था, मुझे तो नहीं देखने को मिला। तो मैं डांस ही देख पाया, और डांस के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा था, जैसे भंडारा जबरदस्त था भाई। और मैं पहली बार ये सिंधी समाज का ऐसा मतलब कार्यक्रम देखा अपने होशो हवास में रायपुर शहर में, पहले होता होगा लेकिन मैं कभी नहीं देख पाया था, आज पहली बार देखा, मज़ा आ गया भाई। वहाँ बहुत सारे भंडारे में खाने कुछ अवेलेबल थे, जैसे कि कहीं कहीं तो पोहा टाइप था, आइसक्रीम तक दे रहे थे, पाव भाजी था, मैंने पर्सनली जो ट्राई किया पाव भाजी, एक नहीं दो दो खाया, और आइसक्रीम के लिए तो आप लोगों को दिखाया था बहुत भीड़ लग रहा था। और डांस गाइज कम से कम 6 जगह हो रहा था स्टेज, 6 जगह शायद सजाया गया था, अगर काउंट करो तो 5 या 6 जगह। तो हर जगह अलग अलग मतलब लोग थे, अलग अलग डांस कर रहे थे, अलग अलग म्यूजिक बज रहा था, लेकिन सभी एक ही उपलक्ष्य में था भगवान झूलेलाल की। तो मेरा तो गाइज एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और आप लोगों को ब्लॉग के जरिए आप लोगों को भी दिखाया। आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा ऐसा शो आपने कब देखा था और शो कैसा लगा। ज़्यादा मैं ब्लॉग में नहीं बोल पाया था क्योंकि म्यूज़िक इतना वहाँ लाउड था ना कि मैं कुछ बोलने की कोशिश भी करता ना, बिल्कुल GoPro उसको रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि बैकग्राउंड में डांस का जो म्यूज़िक था या सॉन्ग जो चला रहे थे या जो बजा रहे थे म्यूज़िक बहुत लाउड था, वही मज़ा भी आ रहा था, तो मैं वहाँ बोल के नहीं बनाया। और जो ब्लॉग में देखे है ना, बस मतलब ऐसा मान सकते हैं कि दूध उबालने के बाद जो छाली बच जाता है ना या क्रीम, वही आपको दिखाए उस ब्लॉग में। 1 घंटा का ब्लॉग शूट किया था, काट पीट के इतना मिनट पे मैं लाया हूँ। तो बस अभी आ गया इधर, और मेरा तो कान में अभी भी सुन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ब्लॉग में जब शूट कर रहा था ना तो स्टेज के सामने ही था, इतना भयंकर डीजे भाई, मतलब कान में भी सुन की आवाज़ आ रहा है। बट कोई नहीं, आई होप कि आप लोगों को अभी आवाज़ मेरा ठीक सुनाई दे रहा होगा, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कितना ज़ोर से बोल रहा हूँ। तो देख लो, यही आपका ऑक्सीजन गार्डन, और यहाँ से मैं जाऊँगा घर, ब्लॉग एडिट करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। समय की बात करूँ तो 8:30 अभी हो रहे हैं, और 8:15 तक मैं वहाँ से निकल चुका था, यानी कि जयस्तंभ चौक से मैं निकल गया था, क्योंकि वही 200-300 चल रहे थे, डांस हो रहा था मतलब तरह तरह के, या बाकी कुछ झांकी का वेट के झांकी आया नहीं। तो बस गाइस ब्लॉग को करते ही एंड, ऑलरेडी ब्लॉग लंबा हो चुका है, और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और बस मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।